खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वा, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी संपर्क करें 9925046607। खरगोन से करीब 5 किलोमीटर दूर खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर शुक्रवार सुबह कसार बावड़ी क्षेत्र में एक युवक का शव हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की नजर पड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की शिनाख्त गोगांव जनपद के ग्राम अवरकच्छ निवासी सतीश जायसवाल के रूप में की गई। सिर पर गहरे घाव और खून से लथपथ चेहरा देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। एएसपी सहित पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर शव पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पहुंचे मृतक के भाई ने बताया कि सतीश अपने साढ़ू भाई सचिन के घर बाइक से गया था। गुरुवार रात करीब 9 बजे वहां से घर के लिए निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुबह उसका शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों के मुताबिक सतीश की निर्ममता से हत्या की गई। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया मृतक ने गुरुवार रात एक ढाबे पर शराब पी थी, मोबाइल बंद था। सुबह शव बारूद थाना क्षेत्र के बारूद फाटे से बरामद हुआ। शव के पास ईंटें पड़ी मिली। इन ईंटों से खुद को चोट पहुंचाई या किसी और ने, यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मेरा भाई है सतीश जायसवाल, अवरकच्छ का रहने वाला सर, और उसके साथ क्या घटना हुई यह भी हमारे को जानकारी में नहीं है। हनुमान मंदिर के पास उसकी डेड बॉडी मिली, तो पोस्टमार्टम के लिए लाया। कब के घर के निकले थे ये? तो कल उसके साढ़ू भाई के यहाँ गया था सेगावा, वहाँ से वापस आया 9 बजे। उनके साढ़ू भाई से भी बात हुई, बोले 9 बजे यहाँ से निकल गए थे। मेरे को सुबह सुबह पता चला, तब हम स्पॉट पर पहुँचे। क्या लगता है आपको उसमें? सर उसका मर्डर हुआ है सर, और उसके सर जांच होना चाहिए। आशंका है कोई? बिल्कुल, उसके चेहरे पे सर देख नहीं सकते, इतने भयंकर निशान है, पहचान में नहीं आता। ये स्थिति है उसकी। क्या नाम लिखते? मैं हुकुम जायसवाल। क्या नाम? सतीश जायसवाल। क्या घटना सर? एक लाश मिली बरुण थाना क्षेत्र में, बरुण फाटा के पास में, एक सतीश जायसवाल नामक व्यक्ति का शव मिला है। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। लेट नाइट उसने एक ढाबे में शराब का सेवन किया था, और सुबह जब फ़ोन लगाया गया तो फ़ोन नहीं लगा, तो घर वालों ने तलाश किया तो उसकी डेड बॉडी मिली है। प्रेमा फीसिया ही उसके चेहरे पे कुछ चोटें दिख रही हैं, और वो पास पड़ी हुई ईंटों से पहुँचाई गई चोटें लगती हैं। चोटों की नेचर क्या है, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं या कोई उसके साथ अपराध हुआ है, इसको जानने के लिए डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल देखा है। अभी एग्जैक्टली चोटों का नेचर क्या है, किस कारण से पहुंची है, पता पाना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी घटना स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों का कहना है हत्या की आशंका व्यक्त कर रहा है परिजन। आशंका तो कुछ भी व्यक्त की जा सकती है, लेकिन अभी जो चोटों के नेचर है और उसका जो कल का जो मूवमेंट है, उन सारी परिस्थितियों की हम लोग जाँच कर रहे हैं, और डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसमें स्पष्ट होगा घटना किस प्रकार की हुई है। Subscribe now to most exciting channel ever.